जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ any program execution. Okay. इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं. ओके, इट मीन्स इफ यू वांट टू कंट्रोल योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यू विल डेफिनेटली यूज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज selection statement. Second one is iteration statement. And last one is jump statement. Okay. These are the three control flow statements in our C programming language. Now today I will teach you the first one, selection statement. Okay, let us move forward and learn about selection statement. Selection statement. Selection statement, भाई नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई हमें अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल भाई हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, पहले कुछ हम कंडीशन को चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको जॉब चाहिए, ठीक है. इफ यू वांट अ जॉब यू नीड टू क्वालिफाई समथिंग. ओके, यू नीड टू क्वालिफाई द डिजायर्ड क्वालिटी, ठीक है. आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए. यदि आपके पास वो क्वालिटी है, आप उन सारी चीजों को फुलफिल करते हो तो आपको जॉब मिलेगी. इट मीन्स भाई आपको कुछ चीजों को ट्रू करना होगा, ठीक है. तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. भाई यहां पे एक डिसीजन मेकिंग होती है. ओके, यदि वो डिसीजन ट्रू होगा तो उसे करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट मीन्स यहां पे हमें एक कंडीशन को पास करना होता है, ठीक है. यदि वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो आपकी उस कंडीशन करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो ब्लॉक स्किप होके आगे मूव कर जाएगी, ठीक है. वी हैव बेसिकली थ्री टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज इफ, सेकेंड वन इज इफ एल्स, एंड लास्ट वन इज स्विच. ओके, मैं आपको ये तीनों पढ़ाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इफ स्टेटमेंट. इफ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. इन केस ऑफ इफ स्टेटमेंट वी पास अ कंडीशन. If condition is true, if condition is true, the corresponding body, ठीक है. For example, यहां पे हमारे कुछ statements होंगे, statement one, statement two, ठीक है, वो execute होने होंगे, ठीक है. इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है. First of all, यदि हमारे पास condition को true होने के बाद block of statement execute करवा रहा है, for example हमारे पास पांच statements हैं, in such case we will use curly braces, okay? आप उस केस में उसकी बॉडी को यूज करोगे, कर्ली ब्रेसेस की बॉडी को. बट इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट आफ्टर इफ कंडीशन, यदि आपके पास एग्जीक्यूट करने के सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, देन यू डोंट नीड टू यूज द बॉडी लूप. आप इसे हटा सकते हो एंड जस्ट यूज द स्टेटमेंट. ओके, आप डायरेक्ट वहां पे स्टेटमेंट यूज कर लो. क्लियर?
तो हमारे पास दो बातें यहां पे, इफ यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट देन यू विल यूज बॉडी, अदरवाइज जस्ट यूज अ स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग अ बॉडी. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूं मैं आपको करके. आपको पता है कि दो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले हम इंक्लूड sudo dot h include conio dot h void main okay int age. ठीक है, एक वेरिएबल है एज टाइप का, मैंने पढ़ा रखा आपको वेरिएबल के बारे में. आपको फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने इसके बारे में समझाया हुआ था कि किस लिए यूज करते हैं हम कॉनियो और स्टूडियो को. ओके, प्री प्रोसेसर क्या यूज करते हैं, यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो. नाउ प्रिंट एफ एंटर द एज, एज एंटर करवाए, स्कैन एफ से करवाते हैं एंटर. ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एज, एज एंटर हो जाएगा. नाउ अब जा रहे हैं हम यहां पे इफ लगाएंगे कंडीशन. इफ क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है. अब इफ के अंदर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. ठीक है, यदि एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है. अब हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, देन यू डोंट नीड टू यूज द बॉडी. आप प्रीफिक्सेस यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करोगे, प्रिंट एफ योर एज इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड You are a valid voter, okay? Comma age. भाई यहां पे आपकी एज आ जाएगी और यहां दिखाएगा आपको कि you are eligible for vote, आप वोट कर सकते हो. Now, भाई इसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो सारी सारी एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ये हुआ आपका इफ स्टेटमेंट का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन. ओके, आई होप आपको इफ के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि इफ हम यूज क्यों करते हैं. यहीं पे यदि आपको क्या करना था, कंडीशन के बाद कई सारे स्टेटमेंट यूज करने थे तो आप उसे एक ब्लॉक के अंदर यूज कर लो, तो वो पूरा पूरा ब्लॉक इफ कंडीशन के चेक के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो उसे स्किप करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. वी हैव एल्स कीवर्ड. ठीक है, एल्स क्या है, एक कीवर्ड है. कीवर्ड तो पता ही आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था रिजर्व वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स. ओके, तो एल्स एक कीवर्ड है और इसे यूज कब करते हैं, इट इज यूज टू मेक एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इफ स्टेटमेंट. ठीक है, हमें इफ स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव ब्लॉक चाहिए, मतलब इफ यदि ट्रू ना हो तो उसके अगेंस्ट में क्या प्रिंट हो उस केस के लिए हम एल्स को यूज करते हैं. ओके, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, वही एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम हमने किया था. आप इंक्लूड तो कर ही लोगे दो हेडर फाइल्स को. ठीक है, जो भी लास्ट प्रोग्राम में किया था हमने, मैं वर्ड मैन से स्टार्ट करता हूं. वर्ड मैन इंट एज प्रिंट एफ एंटर एज स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंटेज. Now, if condition देखेंगे हम यहां पे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, ब्लॉक की जरूरत हमें है नहीं. डायरेक्ट क्या करो यहां पे, प्रिंट एफ यू कैन वोट. भाई ये इफ ब्लॉक हो गया. ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग यदि ये फॉल्स हो जाए, मतलब यदि एंटर किया हुआ एज 18 से कम हो, तो क्या हुआ, हमारा else स्टेटमेंट, else का जो ब्लॉक है वो चल जाएगा.
अभी एस भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप यहां पे आपको बॉडी जरूरत है नहीं, आप सिंपल सा प्रिंट एफ यूज कर लो, यू कैन नॉट वोट। ओके, इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रू होने पे दिस वन, फॉल्स होने पे ये स्किप होके एल्स के पास पहुंचेगा और एस वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। आई होप आपको इफ एल्स की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच के बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।